नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज पर। दोस्तों, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न 64 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सभी 64 पदों पर भर्तियों के लिए चयन यहां पर वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए यहां पर विभिन्न तिथियों में कौशल परीक्षा वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन विभिन्न तिथियों में यहां पर किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक पंजीयन हेतु यहां पर उपस्थित हो सकते हैं। तो यहां पर लैब टेक्नीशियन NHM में 8 पद के लिए और लैब टेक्नीशियन DEIC में 1 पद के लिए, इस प्रकार से 9 पदों पर यहां पर भर्ती की जाएगी लैब टेक्नीशियन की। चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता DMLT और BMLT कोर्स पैरामेडिकल का मांगा गया है और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी यहां पर मांगा गया है। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 23 मार्च 2020 को किया जाएगा। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को यहां पर 200 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से वेतन मान जो है दिया जाएगा। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 23 मार्च 2020 को किया जाएगा। लैब सुपरवाइजर के 2 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 17,500 रुपये वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 23 मार्च 2020 को किया जाएगा। इसके लिए स्नातक मांगा गया है और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में यहां पर मांगा गया है। ऑडियोलॉजिस्ट की 1 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 रुपये प्रति माह वेतन मान का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन 24 मार्च 2020 को किया जाएगा। साइकोलॉजिस्ट के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 23,000 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, जिसके लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन 24 मार्च 2020 को किया जाएगा। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 31,500 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, जिसके लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन 24 मार्च 2020 को किया जाएगा। टेक असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 15,000 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, जिसके लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन 24 मार्च 2020 को किया जाएगा। ब्लॉक सुपरवाइजर VBD के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 21,000 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, जिसके लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन 24 मार्च 2020 को किया जाएगा। OT टेक्नीशियन के 3 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, जिसके लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन 24 मार्च 2020 को किया जाएगा। इसके लिए OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स होना जरूरी है। फार्मासिस्ट के 2 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, इसके लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन 24 मार्च 2020 को किया जाएगा। इसके लिए डिग्री डिप्लोमा फार्मेसी में मांगी गई है 50% अंकों के साथ में। ब्लॉक डाटा मैनेजर के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 21,000 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, इसके लिए स्नातक और PGDCA मांगा गया है। 55% अंकों के साथ में स्नातक मांगा गया है और PGDCA का कोर्स यहां पर मांगा गया है। इसके लिए 25 मार्च 2020 को वॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 3 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास और 1 वर्ष का कंप्यूटर में यहां पर डिप्लोमा मांगा गया है। वॉक इंटरव्यू का आयोजन 25 मार्च 2020 को किया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट NHM के लिए यहां पर 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए भी 25 मार्च को ही वॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भी 12वीं पास ही केवल मांगा गया है और 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया है। दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर आयुष मेल में 5 पद के लिए, मेडिकल ऑफिसर आयुष फीमेल में 6 पद के लिए, इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहां पर 11 पदों पर भर्ती की जाएगी दोनों मिलाकर के, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 रुपये वेतन मान जो है दिया जाएगा। इसके लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन 25 मार्च 2020 को किया जाएगा, जिसके लिए शैक्षणिक BAMS या फिर BHMS या फिर BUMS डिग्री यहां पर मांगी गई है। NNM के कुल 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास और ANM का कोर्स मांगा गया है और साथ ही साथ में नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी मांगा गया है। वॉक इंटरव्यू का आयोजन 26 मार्च 2020 को किया जाएगा। ANM RBSK में 3 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता ANM का कोर्स और जीवित पंजीयन यहां पर होना जरूरी है। 26 मार्च 2020 को वॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर NHM में 9 पद के लिए और नर्सिंग ऑफिसर FRU में 1 पद के लिए भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 रुपये वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए BSc नर्सिंग या फिर GNM का कोर्स होना जरूरी है, साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 27 मार्च 2020 को किया जाएगा। आया यानी बाई के यहाँ पर 6 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये वेतन मान दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास यहाँ पर न्यूनतम मांगी गई है। 27/3/2020 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। क्लीनर यानी सफाई कर्मचारी के 3 पद पर भर्ती की जाएगी, इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास मांगी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 27 मार्च 2020 को किया जाएगा। अटेंडेंट NRC के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये वेतन मान दिया जाएगा, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। इसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 27 मार्च 2020 को किया जाएगा।
इन सभी पदों पर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आपको इस विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।